प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तथा हरदा जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट आज शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर कोविड 19 की संभावित तीसरी लहर के संबंध में जिला प्रशासन के द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने 100% वैक्सीनेशन को लेकर निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि वैक्सीन मैं उपलब्ध करवाऊंगा। इस दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल भी मौजूद रहे। कमल जी की ओर से, विधायक जी की ओर से और संगठन की ओर से सबको धन्यवाद देता हूँ। और कमल जी का संकल्प है कि हरदा नंबर वन, सिंचाई में नंबर वन बने, वैक्सीन में नंबर वन बने, ऑक्सीजन में नंबर वन बने, सैंपल में नंबर वन बने, नामांकन बंटवारे में 30 दिन में समाधान हो उसमें नंबर बने, गरीबों को निःशुल्क अनाज बटे उसमें नंबर वन बने, शिक्षा में नंबर बने, स्वास्थ्य में नंबर वन बने और ऑक्सीजन की भी जो प्लांट लग रहे हैं वो समय अवधि में लगेंगे और कानून का राज हरदा में चलेगा, ये भी कानून में भी नंबर वन बनेगा, मुझे पूरा विश्वास। हरदा से UD News के लिए अजय कुशवाहा की रिपोर्ट।